स्पेशल है ब्लॉग क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तो आज फाइनली मैं आप लोगों के सामने मेरे बॉयफ्रेंड का फेस रिवील करने वाली हूँ। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा शर्मा भी रही हूँ मैं। तो आप लोग पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, आप लोग जानना चाहते हैं। तो आज फाइनली मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने वाली हूँ आप लोगों के सामने। सो मिलो आप लोग मेरे बॉयफ्रेंड से। हाय हाय हाय, इतना सुकून। व्हाट शर्मिला है, व्हाट शर्मिला है गाइस। तो इसका नाम विजिट है। अच्छा, और हम दोनों मतलब बहुत पहले से रिलेशनशिप में है, तो 2 साल हो गया हम दोनों को। और आप लोग पूछते रहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है कौन है, इसलिए आज फाइनली मैंने दिखा दिया आप लोग को। मैंने सोचा कि एक डेटिंग वाला वीडियो लेके आती है, तो फर्स्ट टाइम हम दोनों डेट पे आई है आज। कैसा लग रहा है? हाँ, नर्वस हूँ। व्हाट शर्मिला है मेरा बॉयफ्रेंड। तो ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन मेरे लिए ये बुके भी दिया है, छोटा सा, बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए टाइटन का वॉच भी दिया है, देखो कितना क्यूट है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, हम दोनों फर्स्ट टाइम डेट पे आई है इसीलिए दिया है, नहीं तो नहीं देती ये लड़का, मुझे पता है। ओके, तो कुछ बोलो मेरे ब्लॉग में, बोल कैसा लग रहा है आज? क्या बोलना है मेरे को तो यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता। यूट्यूब के बारे में नहीं पता उसको, इसलिए बोलते हैं देखने से डर लगता है मेरे को। हाँ, इसलिए मुझे बोलते हैं कि तुम अपना ब्लॉगिंग अपना करो, मेरे को मत लो वीडियो में, ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैंने आज तक नहीं दिखाया आप लोगों को। बहुत शर्मिला है बंदा। कैसा लगा आप लोगों को गाइस, हैंडसम है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता देना। हैंडसम नहीं है गाइस। तेरा क्या बोला तूने? अभी गाइस क्यों बोल रहे फिर? तो गाइस, आज मैंने आप लोग को बोला था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज हमारा स्पेशल डे है। तो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी बॉयफ्रेंड मेरी वीडियो में आई है, और एक और स्पेशल बात है बहुत बड़ा, तो आज हम दोनों का एनिवर्सरी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ आज। इसीलिए मैंने उसको बोला, बहुत बोला मैंने कि मेरी वीडियो में आओ। ये बोलते रहते नहीं आना नहीं आना, ब्लॉग नहीं बनाएंगे, फेस रिवील नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन मैंने उसको इतना कन्विंस किया, मतलब मैंने उसको बोला बहुत ज़्यादा, बहुत कन्विंस करना पड़ा, तो अभी फाइनली आ गया मेरे ब्लॉग में। क्योंकि आज हमारा एनिवर्सरी भी था, तो मुझे गिफ्ट भी मिला एंड आप लोग को भी दिख गया मेरा बॉयफ्रेंड का फेस। स्पेशल डे में मेरे लिए कुछ बोलो ना, बोलो ना। क्या बोलू यार, आज आज के दिन हम लोग कैसे मिले थे वो बताओ ना, कहाँ मिला था हम लोग? फर्स्ट टेंडर में मिला था, हम दोनों 2020 में मिला था, फर्स्ट ईयर में जो मैं कॉलेज पढ़ता था वो भी इस कॉलेज में ही पढ़ता था। और किसने प्रपोज किया था, किसने किया था? तुमने? नहीं, मैंने नहीं। इसने किया था गाइस, इसने प्रपोज किया था। Oh my God! So guys, हम दोनों का मिलना 2020 को हुआ था
एंड इसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना अभी, क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे. इसलिए मैंने उसको बोला था कि अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो मैंने उसको दोस्त बना लिया. उसके बाद हम लोग 2020 के बाद हम लोग 2022 को हम दोनों रिलेशनशिप में रहे. अभी हम दोनों को 2 साल हो चुकी है रिलेशनशिप में, तो मेरे लिए वेट करा, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये. इतना तारीफ मत करो. अच्छा ठीक है, शर्म आ गया, मुझे भी शर्म आ रही है अभी. देखो गरम गरम हो गया मेरा, देखो गरम गरम हो गया मतलब. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल. अभी अच्छा लगा थोड़ा. क्या क्या ऑर्डर करने वाले हैं मेरे लिए? वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे डेकोरेशन बोसा, बहुत अच्छा है मेरे लिए. स्पेशल एनिवर्सरी के लिए इसने रेडी करवाया ये सब डेकोरेशन. मुझे चिकन लॉलीपॉप खाना है क्योंकि मेरा फेवरेट है. और क्या खाना है तुम्हें? मैं ज्यादातर फ्राइड राइस खाता हूँ. आज स्पेशल है ना, इसलिए स्पेशल है ना आज. तो क्या खाएंगे? ड्रम स्टिक खाते और केक लेते हैं क्या? हाँ ठीक है ठीक है, केक ठीक है गाइस, केक लेते हैं. ऑर्डर करोगे? भाई मजा आया गाइस, स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा लव हार्ट शेप में. वाओ बहुत टेस्टी भी है. थैंक यू. वैसे रोमांटिक होने लगे हैं धीरे धीरे. मेरे साथ रहते रहते थोड़ा रोमांटिक होने लगा है. पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. चिकन में पैर उग गया देखो. आर्ट बाय मी. हमने क्या बना दिया गाइस, एनिवर्सरी है फिर भी देखो हम दोनों क्या क्या बनाते रहते हैं. बच्चे की तरह ऐसे ही खेल रहे क्या थे? घर में भी? घर में भी हाँ. वाह क्या सीन है. अभी क्या है, क्या क्या कुछ नंबर ओके सरिया मल में रात में बाली का नहीं है रात में. हमें कमेंट बॉक्स में विश करना मत भूलना, ठीक है? बेस्ट विशेस लिख देना. कब करेगा सर एनिवर्सरी? नौकरी मिलेगा तो करेगा ना. नौकरी मिलेगा कब मिलेगा तुम्हें नौकरी? ऐसे ही बोलते हैं गाइस, ऐसे बोलते रहते हैं. जब भी शादी का बात करें नौकरी नौकरी करते रहते हैं. देखा लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नौकरी करना चाहते हैं गाइस. क्या नौकरी चाहिए तुमको वैसे? कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब मिले से भी होगा. वाह कैसे खिलाएगा? वाह गाइस देखा ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए. लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. पानी मंगवाओ, मुझे पानी पीना है. पानी लेके आओ गाइस. पानी मंगवाया अभी तक नहीं आया हमारा पानी. हम ऐसे ही चाट में रहेंगे ठीक है? हाँ
मेरे अलावा किसी को मत देखना। तो रुको जरा, सबर करो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। थैंक यू, स्पेशल डेट के लिए वैसे। अच्छा लगा ना? खाओ। खाओ। नहीं खाएगा नहीं। मैं तो बुक करूँ ना। वो तेरे भी चीजें दिखेगा ना ब्रो। हाँ देखा, मुझे ब्रो ब्रो कहते हैं ये। आप लोग का बॉयफ्रेंड कैसा है? आप लोग का बॉयफ्रेंड ब्रो कहते हैं? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्रो कहते हैं, ब्रो ब्रो कहते रहते हैं। मुझे ब्रो ही निकलता है इसका। मेरे को ब्रो बोलना अच्छा लगता है, हर किसी को भी। तो मेरे लिए स्पेशल तो नाम रख दिया करो, कितना गंदा है। देखो गाइस, सबको बोलते हैं, हर किसी को ब्रो ब्रो कहते हैं, मुझे भी ब्रो कहते हैं। लेकिन एक सेकंड। सो गाइस, खाना सब कुछ खत्म हो चुके हैं, हमने खा लिया है। और जैसे कि मैंने बताया था, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है गाइस। अरे कहना क्या चाहते हो? सच में ब्रो है। यस गाइस, हमने ऐसे ही प्रैंक किया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। प्रैंक नहीं, हमने एज ए प्रमोशन वीडियो ऐसा किया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस हमारे साथ देखो, साथ में दोस्त लोग भी है, देखो सब लोग है, हम दोनों अकेले नहीं आया है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भैया कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दोनों सच में कपल्स है। तो कपल्स नहीं है हम दोनों दोस्त ही है। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा दोस्त, हाँ बहुत अच्छा दोस्त है हम दोनों ब्रो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कपल से रिलेशनशिप में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला था वीडियो बनाना है, एक प्रमोशन टाइप का वीडियो। बहुत ही ज़्यादा सर मिला है, बोल रहा था कि नहीं आना और नहीं बनाना वीडियो, किसी और को लेके बनाओ। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मनाया उसको, फिर वो आया और उसके बाद हमने वीडियो बनाया। तो बहुत ज़्यादा सर मिला है, नहीं आना चाहते थे लेकिन मेरे लिए आया, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हम दोनों दोस्त है। आने के लिए शुक्रिया। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों कपल्स नहीं है, हम दोनों दोस्त है। एंड ये जो हमने जो दिखाया है, ये जो रेस्टोरेंट है, मेमोरी रिमेंट्स है। तो उन लोगों ने ना नया कपल्स के लिए उन्होंने प्राइवेट रोमांटिक डाइनिंग खोला है एक, इसीलिए हमने इधर पे वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को पता चले। एज ए प्रमोशन वीडियो हमने किया है ताकि आप लोगों को भी पता चले एंड आप लोग इधर पे आके सेलिब्रेशन कर सके। इधर पे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ का 90 मिनट्स में प्राइस है 1000 रुपीस। एंड अगर आप लोग 90 मिनट्स से ज़्यादा रहेंगे तो आप लोग को 500 एक्स्ट्रा देना होगा। और अगर आप लोग 60 मिनट से और आगे रहेंगे तो आप लोग को और 500 रुपीस एक्स्ट्रा देना होगा। तो ऐसे ही है, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई परेशान करने के लिए नहीं आएगा। देखो रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा है रूम। इधर पे आप लोग बर्थडे पार्टीज वो सब सेलिब्रेशन कर सकते हैं। एंड आप लोग कुछ भी लाइक फ्रेंड्स के साथ अगर टाइम स्पेंड करना होगा, आप लोग आ सकते हैं, कपल्स भी आ सकते हैं। वैसे रोमांटिक है ना, इसीलिए तो कपल्स के लिए ही है स्पेशल। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं दोस्तों के साथ बनाएंगे, लेकिन कपल्स के लिए है ना, लगा इतना अच्छा से सजाया हुआ है, इसीलिए मैंने भी एक फेक बॉयफ्रेंड लिया इसको ही। नहीं आना चाहते थे लेकिन आना पड़ा। तो कपल्स के लिए है, आप लोग भी आओ। मेमोरी रिमेंट्स कदम ठोला, मैं डिटेल्स वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और मैं इधर स्क्रीन पर भी दे दूँगी। तो आप लोग आ सकते हो अपना बॉयफ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओके। देखो गाइस, बिहाइंड द सीन सब है। खाओ खाओ। वो जाना भी करना है, जो जाने की जिम्मेदारी है। सुप्रान। हाँ, दो भी लोग जाना भी करना है। अबोमन, आदमन, भाई माकू मस्जिद ढले रखे। माब्रो। माने तो लोगों का। मजा मस्त फिर को गाइस, दुनिया स्किन ना उले। न्यू लॉ, नहीं रे बोलो।
फूड वगैरह एक्स्ट्रा आप लोग को पेमेंट करना होगा। एंड गाइस इसके साथ साथ आप लोग को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी मिलेगा। सो गाइस इधर पे ना डेकोरेशन वगैरह भी आप लोग उन लोग को बोल सकते हैं करने के लिए कि आप लोग को कैसा डेकोरेशन चाहिए और आप लोग को बस चार्ज देना है एक्स्ट्रा चार्ज। तो बहुत ज्यादा अच्छा है, देखो रूम बहुत बड़ा है। इधर पे वीडियो अगर आप लोग को बनाना है, फोटो अगर आप लोग को लेना है तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी आप लोगों को मिल जाएगा उन लोगों की तरफ से। आप लोग को पे करना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा इसके लिए। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी साथ में डेकोरेशन वो सब भी आप लोग को मिल जाएगा। सो हम दोनों ने बोला था बस हम दोनों ही आई है ऐसा दिखाया था, लेकिन कैमरा किसने पकड़ा? सांसरी ने। और देखो सब लोग है इधर पे, बहुत सारा लोग है। और इधर भी हेलो डायरेक्टर, हेलो रियल गर्लफ्रेंड और रियल है ये, समझ रहे हो ना। रेस्टोरेंट का नाम है मेमोरी रिमेंस, कोकराझार खड़म पुला के बिल्कुल पास में है। अब लोगों को पता ही होगा लेकिन इनके बारे में नहीं बताता किसी को भी, जो रोमांटिक डाइनिंग इधर पे खोला है उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। आप लोग भी आओ सेलिब्रेशन करो। देखो गाइस मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ, 100 रुपीस फॉर 90 मिनट्स और 500 एक्स्ट्रा, अगर 90 मिनट से अगर ज़्यादा रह लिया तो 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड इसके बाद फूल बलून डेकोरेशन वो सब उन लोगों की तरफ से आप लोग को मिल जाएगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फ्लावर डेकोर सब कुछ उन लोगों की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। एंड बस आप लोगों को इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो खाना वो सब कैसा लगा? अच्छा है सब अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। तो गाइस आज की वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा टाटा, लव यू ऑल, बाय गाइस। सब बाय बोलो ना, सब लोग बाय बोलो, बाय बाय। ये की बाप रे, ओए जी अनाथ, ये ना 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 मने पूछा था भाई, ये तो खड़ा हो गया मैं, नहीं मम्मी ये ना भाई दे दे बे मां बे वो क्लास वालों को मन हो रहा है दादा, मोजा मोन्दोंसै।